नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सर आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और हमने पाचन तंत्र के पिछले पार्ट में बात की थी 35 क्वेश्चनों की, और आज हम उससे आगे करते हुए आगे चर्चा करेंगे क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो हम देखते हैं, पिछली बार हमने 35 तक देखे थे, तो पहले हम 35 को एक बार फिर से देख लेते हैं। वसा का इमल्सीकरण पित्त द्वारा कहाँ पर होता है? ठीक है, तो वसा का इमल्सीकरण पित्त के द्वारा कहाँ पर होता है ये हमें बताना है। ठीक है, ड्यूडेनम में, आंत में, आमाशय में या यकृत में? ठीक है, तो जो इमल्सीकरण की क्रिया होती है वो होती है ड्यूडेनम में, जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत का ग्रहणी भाग। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, ड्यूडेनम या छोटी आंत का ग्रहणी भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। तो 36 में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सकस एंटेरिकस किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो सकस एंटेरिकस जो है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो यहाँ पे दे रखा है अग्नाशय, आमाशय, बोर्थोलिन और लिवर कोन की दरार। ठीक है, तो हमें बताना है सकस एंटेरिकस जो होता है वो पाचन की क्रिया में जो एक रस होता है सकस एंटेरिकस, ठीक है, जिसको हम आंत्र रस के नाम से जानते हैं, ये कहाँ से स्रावित होता है। ठीक है, तो ये स्रावित होता है लीबर कोहन की दरारों से, और लीबर कोहन की जो दरारें होती हैं वो पाई जाती है छोटी आंत के इलियम भाग में। कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत के इलियम भाग में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि काइमोट्रिप्सिन क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है ये, ठीक, तो ये क्या है ये। ठीक है, तो काइमोट्रिप्सिन क्या है ये हमें बताना है। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है कि प्रोटीन पाचक एंजाइम, वसा पाचक एंजाइम, विटामिन या हार्मोन, तो इनमें से क्या चीज़ है काइमोट्रिप्सिन। तो कहीं पर भी पिसिन मिल जाए, ठीक है, कहीं पर भी क्या मिल जाए, पिसिन। ठीक, तो सिर्फ पिसिन कहीं नजर आ जाए तो समझ जाना वो एक एंजाइम है और वो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। तो राइट आंसर हो जाएगा कि यह है प्रोटीन पाचक एंजाइम है। क्या हो जाएगा इसका, प्रोटीन पाचक एंजाइम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, ग्लाइकोजन का संचय कहाँ पर होता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में हमारे शरीर के अंदर बदला जाता है, वो स्टोर होता है, तो कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट रुधिर में, यकृत में, फेफड़ों में, वृक्क में। ठीक है, तो मैं बता दूँ आप लोगों को, जो ग्लाइकोजन है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जिसको संचय जो है वो यकृत और पेशियों में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, यकृत में और पेशियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए का कैरोटीन में संश्लेषण होता है, कहाँ पर होता है ये संश्लेषण ये हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है यकृत में, दूसरा है वृक्क में, तीसरा है रुधिर में, चौथा है त्वचा में। तो विटामिन ए का कैरोटीन से संश्लेषण, कैरोटीन विटामिन ए में कहाँ पर बदलता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, यकृत में। कहाँ पर होता है वो, यकृत के अंदर होता है। ठीक है, तो विटामिन ए का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यकृत के अंदर होता है। ऑप्शन 40 का क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि टाइलिन जो है आमाशय में भोजन का पाचन नहीं करता, क्योंकि कारण क्या है कि टाइलिन एंजाइम जो है आमाशय में भोजन का पाचन नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, इसकी मात्रा कम होती है। ऑप्शन सेकंड, यह कार्बोहाइड्रेट पाचक है। ऑप्शन थर्ड, यह लार ग्रंथियों से स्रावित होता है। ये बात सही है, लार ग्रंथियों से स्रावित होता है, कार्बोहाइड्रेट पाचक भी होता है, टाइलिन होता है, लेकिन ये कारण पूछ रहा है कि आमाशय में भोजन का पाचन क्यों नहीं करता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, कि यह HCl जो है वो इसको क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दे, कि HCl इसको निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। ठीक, ये क्या कह रहा है कि मांस, दूध, अंडे से हमें क्या प्राप्त होता है, मोस्ट ऑफ हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। ठीक है, तो इनमें से हमें आंसर बताना है कि मांस, दूध और अंडे से हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रोटीन। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तात्विक एमिनो अम्ल किसमें विद्वान होते हैं। तात्विक एमिनो अम्ल, एसेंशियल, एसेंशियल मतलब होता है कि आवश्यक एमिनो अम्ल। ठीक है, वृक्क में, यकृत में, कोशिकाओं में या भोजन में। तो वे एमिनो अम्ल जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, शरीर से बाहर से हम लेते हैं, वो तो कहलाते हैं तात्विक या एसेंशियल या आवश्यक। जो हमारे बॉडी में होते हैं वो कहलाते हैं अनावश्यक। अब ये कह रहा है कि तात्विक, एसेंशियल मतलब जो हमें लेने पड़ते हैं। तो ये तीनों पार्ट तो हमारी बॉडी के ही हो गए। ठीक है, ये बच गया, ये हम डेली लेते हैं। ठीक है, तो बाहर से हम लेते हैं
क्या? भोजन, ठीक है। तो भोजन से लिए जाते हैं कौन से तात्विक अमीनो अम्ल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि समुद्री जहाज पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को ताजी सब्जी, फल, संतरे आदि नहीं मिल पाते, अतः नहीं मिल पाते अतः विटामिन सी के अभाव में इनमें कौन सा रोग हो जाता है? तो सिंपल सीधा ध्यान रखना है, विटामिन सी के अभाव में कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो कीलोसिस, एनीमिया, डर्मेटोसिस या स्कर्वी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कौन सा, स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 44 कि प्राकृतिक वसा का निर्माण होता है, प्राकृतिक वसा जो है वो किससे बनती है? ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है कि ग्लिसरॉल व ग्लूकोज से, ऑप्शन सेकंड दे रखा है ग्लाइकोजन से, ऑप्शन थर्ड दे रखा है ग्लिसरॉल व वसा से, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक वसा जो है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल की। किसकी बनी होती है? ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल की। तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है? पहली बात, एक वर्ड ध्यान रखना, एमाइलो। एमाइलो का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है केसिन क्या है? केसिन क्या है? चीनी, शहद, वसा या प्रोटीन? तो केसिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो दूध के अंदर पाया जाता है। तो ठीक है, तो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है? तो केसिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन क्षार में विद्यमान तत्व तो नहीं है, तो नाइट्रोजन क्षार के अंदर कौन सा तत्व तो नहीं पाया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन या फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं, एडिनिन, थाइमिन, प्यूरिन, ठीक है, साइटोसिन, यूरेसिल, तो इनके अंदर फास्फोरस नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है, न्यूक्लिक अम्ल की इकाई होती है, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा या न्यूक्लियोसाइट। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल की जो इकाई होती है वो क्या होती है? ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर लेंगे क्या, न्यूक्लियो, ये साइट लिखा हुआ है, एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड होती है। ठीक है, तो इससे बड़ी एक इकाई होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड आएगा वैसे तो, बट यहाँ पर साइट ही दिया रखा है, तो हम यहाँ पे आंसर करेंगे क्या, न्यूक्लियोसाइट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि पित्त रस का कौन सा कार्य मुख्य है? पित्त रस का जो मेन कार्य है वो हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है पाचन में वसा का इमल्सीकरण, ऑप्शन थर्ड सेकंड दे रखा है कि उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार, ऑप्शन थर्ड दे रखा है कि एंजाइमों द्वारा वसा का पाचन, ऑप्शन फोर्थ दे रखा है पाचन संबंधित क्रियाओं में तालमेल। ठीक है, तो जो पित्तरस है उसका जो मेन कार्य है वो है कि पाचन में वसा का इमल्सीकरण। वसा का क्या करता है? ये इमल्सीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50वां कि विटामिन के का कार्य है, विटामिन के जो है वो क्या काम करता है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कैल्शियम की उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करता है, श्वसन से संबंधित है या रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। तो विटामिन के का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, कि ये रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं कि मंड क्या है? मंड स्टार्च होता है एक प्रकार का, क्या होता है, स्टार्च। ठीक, तो यहाँ पे दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या हार्मोन। तो स्टार्च जो है वो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 मुख गुहा में भोजन पाचन के पश्चात क्या कहलाता है? मुख गुहा के अंदर, ठीक है, तो काइम, काइल, बोलस या विष्ठा। ठीक है, तो मुख गुहा में भोजन जो पाचन के पश्चात कहलाता है उसे कहते हैं हम क्या, बोलस। क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53वां कि आमाशय में भोजन पाचन के पश्चात क्या कहलाता है? अब बारी है किसकी, आमाशय में। तो मुख गुहा के बाद आमाशय में भोजन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन वही है हमारे पास, काइम, काइल, बोलस या विष्ठा। तो आमाशय में कहलाता है काइम, और काइम होता है अम्लीय प्रकृति का। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि डिडेनम भाग में भोजन पाचन के पश्चात क्या कहलाता है? तो डिडेनम भाग में क्या कहलाता है? तो काइल कहलाता है। क्या कहलाता है? काइल, और ये होता है क्षारीय प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बड़ी आंत में अपचित भोजन क्या कहलाता है? तो बड़ी आंत के अंदर जो अपचित भोजन रहता है वो कहलाता है विष्ठा या मल। क्या कहलाएगा? विष्ठा या मल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि रसांकुर के बीच, रसांकुर के
बीच स्थित लीबर कोहन की दरार स्रावित करती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लीबर कोहन की दरारों से क्या स्रावित होता है, वही यह क्वेश्चन है कि लीबर कोहन की दरारें क्या स्रावित करती है। तो लार, इंसुलिन, ट्रिप्सिन या सकस एंटेरिकस। ठीक, तो सकस एंटेरिकस जो होता है, सकस एंटेरिकस, ये कहाँ से स्रावित होता है? लीवर कोन की दरार से। इसे हम आंत्ररस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो जो अस्थायी दांत होते हैं मनुष्य में वो कितने होते हैं? ऑप्शन दे रखा है 12, 20, 32 या 28। ठीक है, तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन वही है 12, 20, 32 या 28। तो स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 32 होती है। कुछ लोग इसको 12 समझाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे 12 जो है वो स्थायी दांत नहीं होते। स्थायी दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं स्थायी दांत। ठीक है, ध्यान रहे। और 32 दांतों का दंत सूत्र बनता है, 12 दांतों का दंत सूत्र नहीं बनता है। ठीक है, NCERT ने लिखा हुआ है कि स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है और इनका जो दंत सूत्र है वो बनेगा कितना? 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3। ठीक है, गुणा कर देंगे हम इसको कितने से? 2 से। ठीक, तो ये बनता है क्या? दंत सूत्र, जो किसका है? 32 दांतों का है। 12 दांत जो होते हैं वो अपुनरावर्तित है, मतलब जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं। ठीक है, और पुनरावर्तित दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 20। 20 दांत जो है वो दो बार आते हैं। टोटल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है कितनी? 32 होती है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो दांतों पर पाए जाने वाले सबसे कठोर आवरण को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट पायस, इनेमल, डेंटाइन या ओडेंटोब्लास्ट। तो दांतों के ऊपर जो कठोर आवरण होता है उसका नाम है क्या? इनेमल। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे क्या? इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विटामिन ए और डी का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, संतरा, अनाज, यीस्ट या कॉड लीवर तेल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कॉड लीवर तेल। पिछली बार राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, तो वहाँ पर भी आंसर क्या था? कॉड लीवर तेल। ठीक है, मछली का जो लीवर का तेल होता है उसको बोलते हैं कॉड लीवर तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां, विटामिन शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग में लिया था? ठीक है, विटामिन शब्द जो है वो शब्द दिया किसने था? सी फंक ने, हॉपकिंस ने, वाटसन ने या सी बेंडा ने? तो किसने दिया था ये बताना है हमें। ठीक है, तो ये जो शब्द था वो दिया था किसने? सी फंक ने। किसने दिया था? सी फंक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा सी फंक। और विटामिन की खोज किसने की? तो वो थी हॉपकिंस ने। विटामिन की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। शब्द किसने दिया? सी फंक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ठीक है, तीन दे रखा है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज किस श्रेणी में है? ठीक है, इनकी श्रेणी में है ये बताना है। ठीक है, तो सिक्रेटिन, सुक्रेज, थाइमोसिन या ADH। तो यहाँ पे इनकी श्रेणी क्या है पहले तो ये देखें। तो ये तीनों के तीनों एंजाइम हैं। मेन मोस्ट बात ये है कि तीनों के तीनों क्या हैं? एंजाइम हैं। यहाँ पे सिक्रेटिन हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन है, ADH हार्मोन है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? सुक्रेज। क्या हो जाएगा? सुक्रेज। तो सुक्रेज एक एंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 36, मनुष्य के आहार नाल में थायमिन की निरंतर कमी से कौन सा रोग हो सकता है? ठीक है, पहले तो हम ये देखें थायमिन होता क्या है। तो थायमिन होता है विटामिन B1। ठीक है, क्या होता है? विटामिन B1। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है एरक्ता, बेरी, पेलेग्रा या रुधिर स्राव। तो विटामिन B1 की कमी से रोग होता है कौन सा? बेरी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? पेलेग्रा जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन फर्स्ट एस्कॉर्बिक अम्ल, नियासिन, कैल्सीफेरोल या थायमिन। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है पेलेग्रा जो है वो किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा किसकी कमी से? नियासिन से। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा नियासिन। ठीक, इसको बोलते हैं हम विटामिन B3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65वां। ठीक है, और ये आज के इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि जिस व्यक्ति के मंसूड़े में रुधिर का स्राव हो उसे भोजन के साथ लेनी चाहिए। ठीक है, तो क्या लेना चाहिए मंसूड़ों में रुधिर का स्राव हो? तो विटामिन बी व खनिज लवण, प्रोटीन, सिट्रस फल या कैरोटीन। ठीक है, तो जो विटामिन मसूड़ों के साथ में रुधिर का स्राव है, ठीक है, मतलब मसूड़ों के अंदर सड़न हो रही है उसके। ठीक है, पायरिया से संबंधित एक रोग है,
और दांतों से संबंधित रोग है, तो ये जो रोग है ये खत्म हो सकता है विटामिन सी की पूर्ति करें। और विटामिन सी जो है वो मिलता है किसके अंदर मिलता है, सिट्रस फल, ठीक है, सिट्रेसी कुल के जो फल होते हैं, खट्टे फल, नींबू कुल के फल, संतरा कुल के फल जो होते हैं उनके अंदर ये विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो एक आवश्यक सूचना है, फ्री 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 जो हमारा कोर्स है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री रहेगा, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, पटवारी, रीट, शिक्षक भर्ती वगैरह की जो कोचिंग है वो हमारे इस चैनल के ऊपर कंप्लीटली हम अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है। और लगातार वीडियो जो है आप लोगों के पास में आ रही है, तो आप लोगों ने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यदि आप लोगों को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी व्यक्ति इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, उसे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और जो हमारे फेसबुक आईडी से जुड़े हुए नहीं हैं वो फेसबुक आईडी पे भी जुड़ सकते हैं, अलवर साइंस अड्डा नाम का हमारा एक पेज बना हुआ है, ठीक है, तो उस पर भी जुड़ सकते हैं। और एक समीर सिंह प्रजापत के नाम से भी एक फेसबुक आईडी है, तो उस पर भी आप पेज के ऊपर जा करके पेज को लाइक कर सकते हैं, जिस पे आपको कंटिन्यू जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।